सब्सक्राइब करें देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को दुनिया के सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लासेस में जो भी हमने पढ़ाया था आपको, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे और बोल भी रहे होंगे, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही होगी हमारा क्लास अटेंड करने से। फिर भी आप एक बार कमेंट करके बता देना जो भी है आपके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट एंड इनफिनिट टेंस ख़त्म कर दिया है। प्रेजेंट एंड इनफिनिट टेंस उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो डू डज लगाकर बनाने के लिए हमने जो बताया था वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट एंड इनफिनिट टेंस का मतलब होता है कि अनिश्चित काल वर्तमान, मीन्स जिसमें अनिश्चितता हो। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब होता है चालू वर्तमान काल, मीन्स जो भी काम चालू हो, मीन्स शुरू हो रहा हो, जो काम हो रहा है, मतलब कोई भी काम जब हो रहा होता है, चालू है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे वो आ रहा है, मीन्स आने की प्रक्रिया चालू है, वे लोग खड्डा खोद रहे हैं, तो वो खड्डा खोदने की प्रक्रिया जो काम शुरू है एकदम, मीन्स एट द टाइम जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त काम वो जब चालू है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग गीत गा रहे हैं, जब हम गाने की प्रक्रिया चालू है तो वो मीन्स कंटिन्यूअस हुआ कि काम चालू है, हो रहा है काम, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। हम दूसरी तरह से हम यह भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस को समझने के लिए, मैं समझता हूँ सेंटेंस पहचानने के लिए हम दूसरी भाषा में या दूसरे वे में यह भी कह सकते हैं सेंटेंसेस को समझने के लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्रिया के बाद आए सेंटेंस के अंत में, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आइए हम विस्तार से सीखते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स चालू वर्तमान काल। जब सेंटेंस के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे, तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और तब उसको बनाने का फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जब भी कोई भी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, चालू वर्तमान क्रियाकाल में हो, तो उसमें हम उसके वर्ब में आईएनजी जरूर लगाते हैं, जिसको हम वी फोर फॉर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फिफ्थ तक पांच फॉर्म होते हैं वर्ब के, उसमें से हम वी फोर बोलते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें सारे के सारे वर्ब में आईएनजी लगाते जाओ, बस होता जाएगा। वो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्ले, प्ले इज द वर्ब, इसके लिए हम प्ले वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग नदी में नहा रहे हैं, तो दे आर बाथिंग इन द रिवर। मैं गीत गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वह मुझे सता रहा है, मीन्स परेशान कर रहा है, तो ही इज टीजिंग मी। मेरे पिताजी मुंबई जा रहे हैं, माय फादर इज गोइंग टू मुंबई। ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी है। मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सभी टेंसों में से सबसे ज़्यादा इजी सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ और भी तरह के सेंटेंसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, तो आप इसको लिख लेना अच्छी तरह से और समझ लेना। ओके, आई एम गोइंग टू रैप दिस।
अब इसमें इन्फिनिटिव आते हैं, इसमें भी इन्फिनिटिव आते हैं, इन्फिनिटिव तो वो कैसा होता है, वह खेलने जा रहा है, तो वह खेलने जा रहा है। इन्फिनिटिव में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डबल वर्ब होता है, तो जाना और खेलना दो वर्ब है। इसके लिए हम ही इज गोइंग टू लगाएंगे, इधर जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के बाद हम टू लगाएंगे जब सेकेंड वर्ब लिखेंगे। गोइंग टू प्ले, ही इज गोइंग टू प्ले, ठीक है फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग टू मीट यू, या आई एम कमिंग टू सी यू भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से जब इन्फिनिटिव हो, डबल वर्ब हो उसमें, तो उसको हम टू लगाकर बनाएंगे। पहले से भी बता दिया था मैंने आपको, तो उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी टेंस है ये फ्रेंड्स। इसको आप अच्छी तरह से समझ लो और इसको लिख लेना आप और समझ लेना। मैं और एक सेंटेंस बता रहा हूँ, जैसे कि अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मेरे पिताजी बाहर बैठे हैं, तो बैठे हैं इस तरह के सेंटेंस में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैठे हैं मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब बैठे हैं, इसमें रह रही नहीं आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ऐसा सोचते हैं वो। लास्ट में जो मैंने पहचान कर जो नियम लिखवाता हूँ उसके हिसाब से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी बाहर बैठे हैं, बैठे हैं मतलब बैठने की काम चालू है, बैठने की क्रिया जो है वो जारी है, मीन्स काम चालू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो माई फादर इज सिटिंग आउटसाइड, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह का बैठे बैठे हैं, खड़ा हूँ, इस तरह का जब वर्ड्स आए तो उसमें उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड। मीन्स बैठे हैं या खड़े हैं, मैं जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, अभी खड़ा होकर मैं आपको अब टीच कर रहा हूँ, तो खड़ा हूँ मीन्स खड़ा हूँ, ये काम चालू है ना खड़ा होने का, तो मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, सिंपल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं स्क्रीन पे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे वे लोग खेत में काम कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग इन द फील्ड, मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, माय फादर इज टीचिंग मी इंग्लिश, उसकी माँ खाना पका रही है, हिज मदर इज कुकिंग, या His mother is preparing food. मेरा भाई हारमोनियम बजा रहा है, My brother is playing on harmonium. Teacher क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं, Teacher is teaching math in the class. वह पेड़ पर चढ़ रहा है, He is climbing up the tree. मैं नदी में तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, वह बाजार से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं सब्जियाँ खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, तुम मुझे गाली दे रहे हो, You are abusing me. मैं अपना लेसन याद कर रहा हूँ, I am learning my lesson.